ये मंदिर का जो मुख्य लुक लग रहा है और काफी इंजॉयिंग मूवमेंट है। और अभी तत्काल में दोस्तों हम लोग तो राम मंदिर बन रही है, आपको कैसा लग रहा है? तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं अयोध्या के भगवान श्री राम जन्मभूमि में और ये मंदिर हमारे ठीक पीछे है, आप देख सकते हैं। और आप लोगों की कृपा से और भगवान श्री राम के चाहत से आज मैं राम मंदिर के अंदर आया हूँ। ये देखिए मेरे पास पास मिला हुआ है ये मीडिया की तरफ से, और ये जो है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लोग हैं वो उन लोगों के लिए स्पेशली था। तो आप ये देख सकते हैं भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर। और इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं कि कैसे भगवान श्री राम का ये मंदिर बन के तैयार हो रहा है और कैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। आप हमारे अराउंडिंग में देख सकते हैं सब जगह कंस्ट्रक्शन और काम चल ही रहा है एकदम तेज़ी से, और किसी भी प्रकार की मतलब देरी नहीं हो रही है यहाँ पे। जगह जगह कंस्ट्रक्शन का अपडेट और काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। जगह जगह मीडिया वाले, न्यूज़कर्मी और हर एक लोग जो है कि काफ़ी यहाँ पे तेज़ी से काम कर रहे हैं। और अब हम लोग इसमें इस पूरे वीडियो में पूरा अराउंडिंग दिखाने वाले हैं भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस मंदिर को देखिए हमारे जरिए। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग आपको बताएं कि ये एक सेशन हुआ जिसमें ट्रस्ट के ट्रस्टी जो चंपत राय जी जो है उन्होंने पूरा डिटेल बताया राम मंदिर के बारे में। तो देखिए करकोटे का एंट्रेंस इधर है, ये ईस्ट से यही मंदिर से प्रवेश होगा। गर्भगृह लास्ट में है, यहां से यहां तक ये लगभग 350 फीट होगा। ऐसी इस हमारे टेम्पल की रचना है। ये 70 एकड़ में जितना हरा हरा दिख रहा है ये सब ओपन टू एयर, यानी वहां हरियाली रहेगी। मैं कह सकता हूं 30% ही कंस्ट्रक्शन है। सड़क बन गई तो भी ओपन तो है, बिल्डिंग नहीं है। 70 एकड़ में से कंस्ट्रक्शन पीरियड मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन एरिया 20 एकड़, 50 एकड़ केवल हरियाली, वृक्ष इतने वृक्ष हैं 50 फैमिलीज के, मैंने तो कोई गिनती की नहीं है, फैमिलीज की गिनती की है घूम घूम कर, ये किसका पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है। 50 फैमिलीज के कम से कम 600 पेड़ अंदर हो, ये सब दिख रहा है आप देखेंगे, ये सब दिख रहा है। ये वृक्ष अर्थात पर्यावरण का पूरा पूरा ध्यान रखा गया इस टेंपल कॉम्प्लेक्स में। ये मंदिर का जो मुख्य आप मंदिर देख रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा व्यू यहाँ का, आपको हम लोग पूरा हर एक चीज़ डिटेल वीडियो ये दिखाने वाले हैं। ये आप व्यू देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त लुक लग रहा है और काफ़ी इंजॉयिंग मोमेंट है ये, बहुत ज़्यादा संतुष्टि और खुशी मिल रही है यहाँ पे आके। तो चलिए आपको आगे की तरफ दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू। और आपको एक बात बताएं कि ये एक अराउंडिंग जगह रखी गई है जहाँ पे पूरा लॉक सिस्टम लगाया गया है और यहाँ से आगे मतलब प्रवेश अभी वर्जित है मीडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हैवी लेवल पे अभी फिनिशिंग का काम हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अभी हम लोग तत्काल में राम जन्मभूमि के कुछ क्षेत्रों को दिखाने वाले हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल कवर करने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो चलिए आपको एक एक करके थोड़ा नीचे चल के और थोड़ा दूसरे दिशाओं से दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे काम जो है कि चल रहा है भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर की तैयारियों का, कैसे उद्घाटन की तैयारियों का काम चला है, ये सब बताने वाले हैं इस वीडियो में। और अभी तत्काल में दोस्तों हम लोग जस्ट जहाँ पे एंट्री गेट था जहाँ से मतलब बैरिकेटिंग लग चुका है बंद होने के लिए, वहाँ से ठीक हम लोग दूसरे साइड में आए हैं और यहाँ पे आपको दिखाएं कि जगह जगह जो है कि काम हो रहा है और स्ट्रक्चर को काफ़ी जो है कि बड़े लेवल पर बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। जो कि मतलब आपने तमाम राम जन्मभूमि के जो चंपत राय जी हैं जो ट्रस्टियों में से एक हैं
उनके जो है कि वक्तव्य से सुना होगा कि यहाँ पे एक ऐसी परत बनाई जा रही है वॉल की कि सरयू नदी का अगर कभी मुड़ाव हुआ तो जो है कि उस वजह से इस राम मंदिर को किसी भी प्रकार की क्षतिग्रस्ती नहीं होगी। ये वही वॉल है आपको सामने दिखाई दे रही है और इसके नीचे भी बेस बहुत मोटा है, आप सामने की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है कि यहाँ पे जो है कि स्ट्रक्चर और डिज़ाइनिंग का एक बिजोर नमूना दिया गया है। तो चलिए आपको आगे चलते हैं, आगे लोगों से भी बात भी करेंगे हम लोग कि कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके लोगों को। चलिए आगे दिखाते हैं दूसरे दिशा में और अभी हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं, नीचे की तरफ देखते हैं कि किस प्रकार की क्रिएटिविटी यहाँ पे हो रही है। और यहाँ से शायद रोक दिया गया है, यहाँ से जाने का आगे जो है कि प्रशासन का इजाज़त नहीं है, इधर तक इधर भी है, तो यानी कुछ ही एरिया जो है कि स्पेशली मीडिया वगैरह के लिए दिया गया है। ये जो आप व्यू देख पा रहे होंगे सामने, यहाँ पे भी ट्रस्ट कार्यालय का कुछ जो है कि विशेष बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और ये जो है कि पूरा येल्लो जोन का लाइन है, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे बहुत ही हैवी सिक्योरिटी रहती है, बहुत ही हैवी सिक्योरिटी जोन रहता है। यहाँ पे पूरी रास्ते हैं जहाँ से हम लोगों ने एक दो बार शायद आपको एक बार शायद राम मंदिर की व्यू दिखाई भी होगी, यहाँ से बहुत स्पष्ट तरीके से दिखता है। जैसे कि अभी हम लोग तो काफ़ी नज़दीक हैं तो यहाँ से और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, पर आज के समय पे इस बार मंदिर के अंदर जो है कि जाने की इजाज़त नहीं है। चलिए आपको दूसरे तरफ लेके चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कि पूरा एक अलग से बेजमेंट टाइप में बनाया गया है वॉल्स जो है। तो राम मंदिर बन रही है, आपको कैसा लग रहा है? आपने कभी सोचा था कि आप इसमें काम करेंगे? नहीं। अच्छा, आप कितने समय से काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अभी सर हमको 2.5 साल। अच्छा, ये एक याद बन जाने वाली है अब राम मंदिर आप लोगों के लिए। हाँ। तो आप लोग हमेशा यहाँ दर्शन करने आएंगे? आएंगे। तो ये उत्साह है यहाँ पे काम करने वाले लोगों के साथ जो है कि हम लोग दिखा रहे हैं आपको इस राम जन्मभूमि से, और बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है, खुद अपने आप में गर्व फील हो रहा है यहाँ पे पहली बार आकर। तो जो लोग यहाँ काम कर रहे होंगे वो कितना जो है कि गौरवान्वित महसूस करते होंगे, और आप लोग जब यहाँ दर्शन करने आएंगे तो आपको खुद पे खुद इतना गर्व महसूस होगा, इतनी अच्छी लगेगी कि आप लोगों को लिए ये एक यादगार मोमेंट होगा। सबसे यादगार मोमेंटों में से ये है अयोध्या का राम जन्मभूमि का यादगार मोमेंट। तो चलिए आपको आगे और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे इंजॉय करते हैं लोग, और आप लोग आएंगे तो कैसे इंजॉय करेंगे यहाँ पर। ये लोग जो तमाम जो दिखाई दे रहे हैं, ये लोग जो है कि अब काम करके इनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट शिफ्ट के जो लोग आने वाले हैं उनके लिए जो है कि अब टाइमिंग हो रहा है, उसीलिए यहाँ पे इन लोगों को जो है कि अब बाहर की तरफ भेजा जा रहा है। और आपको बताएं कि इन लोगों को बात करने के लिए जो इनके कॉन्ट्रैक्टर्स थे और जो इनसे ऊपर एलएनटी के ऑफिसर्स थे, वो लोग जो है कि बार बार इन लोगों को रोक रहे थे कि मतलब आप लोग जो है कि ऐसे न्यूज़ में रुक के बातें ना करें, क्योंकि आगे जब आप बाहर निकलेंगे तभी जो है कि शिफ्ट वाइज दूसरी चालू होगी शिफ्ट। तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग कुछ गुजरात से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ झारखंड से हैं, और एक दो लोग तो हम लोग को ऐसे भी मिले जिनसे हम लोगों ने बातें की, उन लोगों ने वीडियो में आने से मना कर दिया था कि मतलब वो लोग जो है कि गुजरात से आए हुए हैं, और उन लोगों को आपको बताएं कि वो लोग यहाँ पर सेवा के भाव से आए हुए हैं, सेवा करने के भाव से आए हुए हैं, ऐसा पूरा मतलब उन लोगों ने बताया। तो चलिए आगे देखते हैं। और अब हम लोग का दर्शन जो है कि लगभग पूरा हो चुका है क्योंकि समय जो है कि पूरा हो गया है, और ये देखिए हमारे साथ भैया लोग बहुत सारे हैं, और यहाँ पे अब जो है कि जो भी लोग यहाँ पे सिक्योरिटी में लगे हुए थे ये लोग अब हम लोगों को वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे दर्शन पूरा हो चुका है, समय ऑफ हो चुका है इस वजह से, और मीडिया के लिए जो समय सीमित थी वो समय जो है कि पूरे तरीके से लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये राम मंदिर का एक छोटा सा व्यू आप लोग ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही अच्छा ये जो है कि समय था हम लोगों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग समय था जब हम लोगों ने अयोध्या के इस भव्य राम मंदिर में शूट किया और आप लोगों तक ये जो है कि दर्शन दिया, और ये तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्टी हैं वो जा रहे हैं उनको दिखाते हैं आप लोगों को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो 9 ट्रस्टी हैं उनमें से ये एक चंपत राय हैं, जो कि मुख्यतः मंदिर के पूरे तरीके से कार्यभार को संभाले हुए हैं। अभी तत्कालीन मंदिर जो निर्माण हो रहा है ये पूरे तरीके से श्री चंपत राय जी के ऊपर आधारित है, और उनके इतने अथक परिश्रम और प्रयासों के वजह से जो है कि पुनर् राम मंदिर का स्थापना हो रहा है, और उनके विशेष वक्तव्यों को आपने जैसे कि आगे सुना
उनको जो है कि मंदिर के बारे में जो है कि पूरे तरीके से डिटेलिंग हर एक चीज़ पता है उन्हें कि किस प्रकार से मंदिर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और आपको बताएं कि जैसे जैसे उद्घाटन की डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे कार्यभार और तैयारियां बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं और पूरी हो रही हैं, तैयारियां बहुत ही तेज़ी से पूरी हो रही हैं। और आप लोग जब अयोध्या आएंगे राम जी के दर्शन करने तो बहुत ही दिव्य हो चुका रहेगा। दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर को आप बनते हुए देख तो रहे हैं पर इसका संघर्ष कितने सालों का है? तो आपको बताएं, हम लोगों को वहाँ पे डिटेलिंग में पूरी चीज़ों को बताया गया था, जिनमें बताया गया था 492 वर्ष के बाद भगवान श्री राम को फिर अपने मंदिर या फिर घर में, जो ये एक तरीके से मंदिर और घर भी कह सकते हैं, इसमें विराजमान किया गया। 22 जनवरी 2024 का ये दिन इतिहास में एक उसी तरीके से माना जाएगा जैसे 2019 में जो न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला सुनाया था और जो पूरी राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इस ज़मीन को सौंपा था और बदले में यहाँ पे राम जन्मभूमि का निर्माण करने के लिए, इस भव्य राम मंदिर का निर्माण करने के लिए जो न्यायालय ने आदेश दिया था, इससे इसी तरीके से जो है कि 22 जनवरी को मनाया जाएगा। ऐसा चंपत राय का आपने जो है कि बहुत बार बयान सुना होगा, श्री चंपत राय जी का, जो ट्रस्टियों में से एक है। टोटल 9 ट्रस्टी हैं जिनमें से वो एक हैं। उन 9 ट्रस्टियों का जो कि आपको गूगल करेंगे तो आपको 9 ट्रस्टियों का फ़ोटो वगैरह और डिटेल सब कुछ दिखाई देगा, जिनमें से गोविंद गिरी जी महाराज, चंपत राय, उसके बाद से नृत्य गोपाल दास जी महाराज, ऐसे कुछ चुनिंदा बड़े बड़े नाम हैं जो कि ट्रस्टियों में से एक हैं। और आपको बताएं कि राज्य सरकार के तरफ से भी एक जो है कि आईएएस ऑफिसर और केंद्र सरकार के तरफ से भी एक आईएएस ऑफिसर जो है कि इन ट्रस्ट में शामिल है। और आपको बताएं, इस मंदिर की जो पूरी भूमि की एक्विजिशन है वो 75 एकड़ में है, जिनमें से 74 एकड़ ज़मीन पहले से ही रामलला विराजमान ट्रस्ट जो बनाया गया था 1992 में, उस ट्रस्ट के पास जो है कि ये ज़मीन पहले से ही थी और बस एक जो है कि एकड़ ज़मीन का जो विवाद था जिसपे बाबरी ढांचा हुआ करता था और उससे पहले भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर हुआ करता था, तो उसी ढांचे, उसी जो है कि मेन जो है कि शिखर और जो मंदिर की जो ज़मीन थी उसी की वजह से मेन प्रॉब्लम थी, जिसको सॉल्व करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2019 में जो है कि ये न्यायपूर्ण फैसला सुनाया था कि ये पूरी एक एकड़ जो ज़मीन है ये राम मंदिर ट्रस्ट को ही सौंप दी जाएगी और बाकी जो ज़मीन है उसको मतलब जो बाकी अगल बगल जो ज़मीनें थी वो रामलला ट्रस्ट के पास ही थी, उसके बाद से नए ट्रस्ट का गठन किया जाए और उसके बाद से पूरी ज़मीन उस ट्रस्ट को दे दिया जाए मंदिर का निर्माण करने के लिए, जिनमें ये 9 ट्रस्टियों को रखा गया। अब आपको मंदिर परिषद की जो शैली है वो नागा शैली में मंदिर को बनाया जा रहा है, जो कि साउथ इंडिया टेम्पल्स जो हैं, आज आप तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला और कर्नाटक जैसे राज्यों में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा नागा शैली में वहाँ पे मंदिरें बनी हुई हैं, उन्हीं नागा शैलियों में इस मंदिर का भी निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद से इसकी जो पूरी लंबाई और चौड़ाई है वो 380 फीट की जो है कि इसकी ऊंचाई है और चौड़ाई उसकी 250 फीट है। और आपको बताएं कि इसका पूरा जो शिखर होने वाला है वो 161 फीट ऊंचा होने वाला है, केवल शिखर जो है कि 161 फीट ऊंचा होने वाला है। एक फ्लोर की कुल ऊंचाई जो है कि 20 फीट है और 392 खंभे एक एक फ्लोर पे लगाए जा रहे हैं, 44 द्वार एक एक फ्लोर पे होने वाला है, जिनमें से जो निचले वाला जो फ्लोर है उसमें 16 द्वार सोने के लगाए जाने वाले हैं, जिनमें से पहला द्वार लग के तैयार भी हो चुका है, जैसा कि हमारे चैनल पर आपने फोटोज़ देखा होगा। तो इसी प्रकार से चल रही है तैयारियां भगवान श्री राम की। और दोस्तों, जाते जाते बहुत ही अच्छा लग रहा है इस राम जन्मभूमि के अंदर से, और ऐसा मन जैसे लग रहा है कि इसके अंदर से जाए ही ना, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर।
और अब जो है कि समय हम लोग के जाने की हो चुकी है। अंतिम वीडियो अंतिम जो है कि ये है, और इसके बाद भी अब हम लोग आते रहेंगे अक्सर, क्योंकि हम लोगों को जो है कि यहाँ पे कार्ड मिल चुका है जन्मभूमि की तरफ से। ये काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट है हमारे लिए, जो कि हम लोगों को यहाँ पे एक तरीके से राम जन्मभूमि की तरफ से ये मिला हुआ है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए थोड़ा और कुछ देखते हैं दोस्तों। इसमें 5 मंडप होने वाले हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप और प्रार्थना का कीर्तन मंडप। पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियों को चढ़ के सिंह द्वार से प्रवेश होगा राम मंदिर में, जो आप सामने देख रहे हैं आप हमारे भव्य राम मंदिर। दोस्तों मंदिर के आसपास एक परकोटे का भी निर्माण होगा, जो कि 732 मीटर का जो है कि एक परकोटा बनाया जाएगा, जो कि आसपास बहुत सारी मंदिरों को बनाई जाएंगी, नवग्रह और बाकी तमाम मंदिरों को बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई जो है कि 14 फीट होने वाली है, और इसके पास में ही राम जन्मभूमि मंदिर के पास में ही सीता कुंड का निर्माण किया जाएगा, जो कि बहुत ही प्राचीन सीता कुंड को माना जाता है, और यहीं से कुछ दूरी पे जो है कि उसका जगह निर्धारित किया गया है जहां पे निर्माण होगा, और सरयू नदी के जल को भी उसमें मिलाया जाएगा। और अब आगे आने वाले प्रोजेक्टों में हम लोग डिटेल्स आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार से डेवलपमेंट्स यहाँ हो रही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या फीलिंग है यहाँ की। और ये आखिरी मोमेंट है जो कि इस समय हम लोग को राम जन्मभूमि के अंदर से मिल रहा है। और ये आखिरी मोमेंट था जबकि हम लोग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के इस भव्य राम मंदिर से बाहर निकल रहे थे, और ऐसा बार बार दृष्टि कह रही थी कि काश कुछ पल और रुक जाए यहाँ, और कुछ लोग हों जो रोक लें हम लोगों को, ताकि हम लोग अपने राम लला के पास थोड़ा और समय व्यतीत कर सकें। लेकिन कसम से जब ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो इतनी सुकून भरी राहतें मिलेंगी अंदर जाने से, आप स्वयं जब जाएंगे तो उसमें से निकलने का मन नहीं करेगा। परंतु समय की जो अल्प सीमाएँ होती हैं उसके वजह से व्यक्ति को अपने आराध्य को छोड़ के आना ही पड़ता है। तो चलिए आखिरी मोमेंट इस मंदिर में बिताते हुए बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। और हमारे साथ हैं भैया, इनका भी YouTube पे चैनल है, और भैया कौन सा चैनल है आपका? अनिल कुमार ब्लॉग। अनिल कुमार ब्लॉग है भैया का चैनल, जो कि पूरा रेलवे और एक तरीके से अपडेट देते हैं, ट्रैवल ब्लॉग है इनका, और आप इजीली इनके चैनल को सर्च कर सकते हैं YouTube पे। और बहुत ही आनंद आ रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे राम जन्मभूमि? मजा आ गया जब से ये पास मिला है, और जब से हम लोग एंटर हुए हैं तब से ऐसा लग रहा है कि मंदिर के सामने बैठे रहें, उसको देखते रहें, जो उसका काम चल रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन वही है कि परमिशन ज्यादा है नहीं वहाँ, यानी समय जो है कि बहुत ही कम मिला, बहुत कम मिला, लेकिन इतना काफी है भगवान श्री राम को आपके दिलों तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए अब अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा समय लेके आए और ज्यादा लंबी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।